सलातु व सलाम अला रसूलिल करीम। करीम ना व शफी ना व हबीब ना व तबीब ना व तबीब कुलूब ना व मलजाना व मखवाना माही अज़नूब वल खता मम्बाइल जूदे वल अता सैयदना व मौलाना मुहम्मद सैयदना व मौलाना मुहम्मद वाला आल सैयदना व मौलाना मुहम्मद वबारक वसल्लम वसल्लम। अम्मा बाद, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना वबस फीहिम रसूला सदकल्लाहु मौलाना लाज़ीम। कालल्लाहु तबारक व तआला फी शान हबीबिही إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما। दरूद पाक बावाज़े बुलंद मोहब्बत और प्यार से भी सलातु व सलाम अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका वा सहाबिका या सैयदी या रहमतल लिल आलमीन। हाँ तेरी याद विच तेरी याद विच रवां मैं तेरी याद विच रवां मैं दिन रात कमली वाले तेरी याद विच रवां मैं। किसे नु किसे दी याद, किसे नु किसे दी याद, ते सानू मदीने वाले दी याद। तेरी याद विच रवां मैं दिन रात कमली वाले इंज जिंदगी दे गुजरन इंज जिंदगी दे गुजरन लम्हात कमली वाले तेरा करम जे होवे ते मैं पहुंच जा मदीने तेरा करम जे होवे
मदीने आका इंज थे नहीं जान देंदे, आका इंज थे नहीं जान देंदे। हालात कमली वाले आका इंज थे नहीं जान देंदे, हालात कमली वाले। ओ खुश नसीब जगदार सुल्तान हो गया, ओ खुश नसीब जगदार सुल्तान हो गया है। आका जिसनु मिली है तेरी, आका जिसनु मिली है तेरी। खैरात कमली वाले आका जिसनु मिली है तेरी, खैरात कमली वाले। अल्लाह ताला जल्ला शानहु दी हम्द व सना जो वहदहु ला शरीक है, अल्लाह ताला दा कोई शरीक नहीं, ना जात विच ना सफात विच ना कमालात विच, वहदहु ला शरीक है। सारी कायनात अल्लाह ताला दी मोहताज है, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत किसे दा मोहताज नहीं। बेशुमार दरूद और सलाम सोने नबी लजपाल दी जात ते कि जिन्ना दे सदके अल्लाह ने सारी कायनात नूं बनाया। हमदो सलात तो बाद मेरे नहायत ही वाजिब उल एहतराम मेरे बुजुर्गों और मेरे हम उम्र मेरे भाइयों उलमाए कराम नात खान हजरात सरकार दे जिक्र दी महफल है। उर्फ आम दे अंदर जिसनूं असी मिलाद शरीफ आखने, मिलाद मिलाद किन्नू आख देन, मिलाद कीतिया होंदा की है, मिलाद दा फायदा की है, ते मुड़ ए वेखना है भी ये करना चाहिंदा है कि नहीं। तवज्जो है भला मेरे वल, जेड़ी गल ना सुभान अल्लाह वाली, मैं तो ना तुहाडियां बाहीं खाईयां करावणियां ना, मैं तुहानूं आखना है तुहाडा दिल करे ते सुभान अल्लाह कह देना, दिल ना करे ना कहना, जाना होवे चले जाना, बहना होवे बैठे रहना, जे सोना होवे ते इत्थे ही सौ जाना, ये भी छुट्टी था की याद रखो। जे इत्थे ही सोना होवे ना किसे बंदे ने सौ जावे मैं उन्हें इजाजत दिती है, लेकिन एक गल मेरी मान लवे सौ जावे पर अखां खुलियां रखे, इत्थी को मेरी मान लवे अखां खुलियां रखे उंज सौ जावे, ले ए तुहानूं इजाजत। भाई सरकार दा मिलाद नबी पाक दी दुनिया ते तशरीफ आवरी दा नाम है मिलाद। सरकार दा
कदम रखना इस जमीन ते इंदा नाम है मीलाद। नहीं ये तो वड्डे वड्डे आप पता ही थे कोई रोला ही नहीं किया वो आप ही चलो तवज्जो है भाई असल गल होंदी है जिहड़ा होंदा ना नाथ कोई भी हजूर दी सना करन वाला उन्हें एक शेर पढ़ना होंदा जिहड़ा कलाम लिखा होया उन्हें उवें शेर पढ़ना ते जिहड़ा होंदा तकरीर करन वाला बंदा उन्हूं सारी गल समझाउणी पैंदी ते सब हजूर की तारीफ है। कोई नात की सूरत च करे कोई तकरीर की सूरत च करे जिक्र सारा मुस्तफा दा। अगा मुड़ करण दे तरीके वखरे वखरे हो गए अगा करण दा जिक्र करण दा तरीका नवे नवे इजाद हो गए जिवें हुण कोई आदा तबला जिहा लै ते कई चढ़ गए कई एक दूजे नूं विच साह कढावण वाले हो गए बई दो दो तीन तीन जने रल रल ते पढ़दे रहिंदे ते वी चक वाले मैं इकला ही हां ते मेरे नाल ड्राइवर मेरा बैठा है आदि मौज आले पाबंद कोनी है जिन्ना मैनू सद्दा है मैं उन्हां दा भी पाबंद कोनी है तुहानूं सही गल बंदा जेड़े चार दे जीवे चास नाल दे जीवे नबी पाक दा दुनिया ते तशरीफ लियावना इंदा नाम है मिलाद। नबी पाक दी विलादत दा नाम है मिलाद। ते एक गल ज़हन च रख लो एक लख ते 24,000 कमो बेश अंबिया अलैहि सलाम आए ने आदम अलैहि सलाम ओ नबी हैं के किसी मां दे पेट चो नहीं आए सब तो पहला बशर ते पहला इंसान आदम अलैहि सलाम बगैर मां बाप दे रब ने बनाया ते आदम अलैहि सलाम दी ही पसली दे विचों हजरत अम्मा हव्वा नू बना दिता उस तो बाद शीश अलैह सलाम नूह अलैह सलाम इब्राहीम अलैह सलाम ईसा अलैह सलाम तक इंज दा मिलाद किसे नबी दा भी नहीं होया जिस तरह दा मिलाद आम इन्हां दे लाल दा होया सारे शान आले सारे नबी शान आले
पर वखरी शान मोहम्मद मुस्तफा दिए। यों तो सारे यों तो सारे नबी मोहतरम है, मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। पर मुस्तफा दियां शाना सब नाल ऊंचियां ने। आ मेरे भाई जरा तवज्जो करना, किस शहनशाह दा मैं जिक्र करन लगा, किस सोने नबी दी मैं आमद बयान करन लगा। मेरे नबी दा इशारा होवे, डुब्बा सूरज वापस आ जाए, उंगली दा इशारा होवे चन दे दो टुकड़े। चन चन तो मैनू गल देने चाहिए, माशाल्लाह स्कूल पढ़ने वाले बच्चे भी बैठे हैं। साढ़े स्कूलों च ना कई मास्टर भी बालों नूं थड़े थूड़े नहीं लगन देंदे। हाँ उत्थे जा ते अगां पयाक्षण ए बच्चा ये जलूस क्या होंदा, रबीउल अव्वल मिलाद की होंदा, बस ऐवें खावण पीवण दा बहाना। कई सारे नहीं कई ते तुहाडे पासे दा पता नहीं, मैं आदे पासे दी गल करदा सी। हां जी सुनो, लेकिन आप नूं तां तरबियत बच्चियां नूं देनी चाहीदी। मेरे भी पढ़दे ने बच्चे मेरे, ਉਹ ਸਕੂਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕਾਰੀ ਜਿਹਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪੜਾਵਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਕੇ ਵਲਦ ਜ਼ਵਾਲੀਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਆਖਣ ਵਲਦ ਜ਼ਵਾਲੀਨ। ਉਹ ਆਖੇ ਵਲਦ ਜ਼ਵਾਲੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਵਲਦ ਜ਼ਵਾਲੀਨ। ਉਹ ਹੱਟ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਤੋ ਨਾ ਕਹਾ ਕੇ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਵਾਲੀਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਖੜਾ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਬਈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਸਰ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੇਫਿਕਰ ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਾ ਪੀਰ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ। ਨਾਤ ਵੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਤਿੰਨ ਬੇਟੇ ਤਿੰਨੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਹੈ ਬਗੈਰ ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਦਰੂਦ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਨਾਤ? ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਨਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸਲਾਤ ਵਸਲਾਮ ਅਲੈਕਾ ਯਾ ਰਸੂਲ। ਮੁੜ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬਾਬੂ, ਤਰਬੀਅਤ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੱਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਸੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੰਡ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਅੱਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਨਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਆਏ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਬਈ ਸਕੂਲ ਚ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਸਤਾਦ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਇਤਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਚੰਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਚੰਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਚੰਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਚੰਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ ਮੈਂ ਆਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਕਮਾਲ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਇਹ ਕਮਾਲ ਏ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਚੰਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਕਮਾਲ ਦੱਸਣ ਵਾਲਿਆ
कदी बच्चियां नू ए वी ते दस्सियां के साइंस दा ए कमाल के इंसान चन्न ते पहुंच गया पर आपने नबी दा ए कमाल है के चन्न नू आदे कदमां विच बुला लिया। चांद परी पहुंचना भी हकीकती सही चांद परी पहुंचना भी हकीकती सही चांद कदमों मिलाना बड़ी बात है। फिर सुनो दसया जांदा है पत्थर जो है ये पानी उत्ते तरदा नहीं डूब जांदा है। बिल्कुल ठीक है पत्थर दा काम में डूब जाना पत्थर छोटा होवे बड़ा होवे जो पानी विच सुटेगा पत्थर तरदा नहीं। उस्ताद आंदा है बेटा पत्थर तरदा नहीं होंदा पत्थर डूब जांदा है। मैं आख्या बिल्कुल ठीक है इंदे नाल नाल ए वी ते दस्या आ पत्थर दा काम है डूब जाना पत्थर तरदा नहीं पर बचियो मेरे नबी दा हुक्म हो जावे ते तरदा तरदा पानी ते आ जांदा है। हुक्म मुस्तफा दा होवे ते पत्थर पानी उत्ते तरदा तरदा आ जांदा है। जदों मेरे नबी दा जदों मेरे नबी दा ज़हूर होया पत्थर कलमा नबी दा पढ़न लग पे जदों मेरे नबी दा ज़हूर होया पत्थर कलमा नबी दा पढ़न लग पे रुख टुरन लग पे गुंगे बोले पे ते पत्थर पानी ते तरन लग पे ते जेड़े कातल सन धियां अन्नी मानिया दे तौबा तैब हो गए ते रब तो डरन लग पे ते इयो जई मदीन्यो हवा चली अयड़ नाल शेरां दे चरन लग पे। आदि किस्मत नाज करो अल्लाह ने मुहम्मद मुस्तफा दा उम्मती बनाया है। मैं क्यों ना अपने नबी दी आमद बयान करां मैं क्यों ना अपने नबी दे कमालात बयान करां मैं क्यों ना अपने नबी दे मौजजात बयान करां। खुदा दी कसम ही उम्मती जदों अपने नबी दियां गल्लां सुनदा है उम्मती दा ईमान वधदा जांदा है। जिस काम नाल बंदे दा ईमान तरो ताजा होवे ओ करना चाहिदा के नहीं ओ करना चाहिदा के नहीं ते मुड़ हजूर दी आमद होवे ते बंदा गल्लां सुने मुस्तफा दियां ते ईमान वधदा जांदा है। ते जेड़े काम नाल ईमान तरो ताजा होवे ओ काम फिर सुनो
ਕਈ ਪਏ ਆਖਣ ਕਿ ਜਲੂਸ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀ ਫਿਰ 12 ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਗਾ ਹਜ਼ੂਰ ਆਏ ਨਾ ਅਗੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮੁੜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਗਏ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ 1500 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਜਲੂਸ ਕੱਢੀ ਖੜੇ ਮਗਾ ਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਲਾ ਕੀ ਹੈ जनाब की मसला के तुसी जलूस क्यों कटी मखा चलो असी नहीं कटने पर एक तुसी दा दसो अखे पुछो मखा मैं वेख्या आदा आदियां अखियां नाल वेख्या है 14 अगस्त वाले दे तेरे हत्थे भी झंडा हा ते बाला नु लै ते बाजार च निकला फिरदा ही हो मखा ओ की अखे तो 14 अगस्त आई मखा की होंदी अगे पाकिस्तान बने आए आजादी दा दे आए ते मखा ये क्यों कड्डी फिरना जलूस अखे उत्तू हुकम हुकूमत दा हुकम है मैं आका पाकिस्तान बने नु केते साल हो गए हर दे जदों आंदे जलूस कड्डने आए खुशियां कर दियो मोटरसाइकलां दियां पैंसरियां भी कड्डी ना घर वालों नु सकून ते ना बाहर वालों नु सकून ऐ मैं पा पा होंदी फिर सी क्यों भई कीए अगे आजादी मुबारक है स्कूलां दे अंदर फंक्शन हो रहे हैं की हो रही है कि आजादी मुबारक है आजादी दा जश्न मनाया जा रही है सारे खड़े न उस्ताद भी शगिर्द भी वड्डे वड्डे सियासी लोग भी ये दिन मनाया जा रही है मैं कहा क्यों कर दे हो अगे पीर अजर शाह ये आजादी दा दिल ने सानू तू आडर है कि इंज करो मगा मुर सबर कर असी मिलाद वाला जलूस कढ़ने है सानू उस तू ही अब पाकिस्तान जिस दिन मिले जिस दिन पाकिस्तान वजूद चावे असी ओ दिन नहीं भूलने आए ते आदे ईमान नु हाजर नाजर कर ते दसी अब पाकिस्तान एक खित्ता है जमीन दा ऐ टुकड़ा मिला है ते सारे खुशियां कर दे ओ अब पाकिस्तान मिले ते खुशी कब मैं सच्ची दसी जे आमिना दा लाल मिले ते खुशी क्यों ना कर कहना के पीर अजर शाह कोई गल पिया कर दे मेरे नबी दा फरमान हर मां बाप अपनी औलाद नू तीन गल्लां दा सबक सिखावे हर मां बाप अपनी औलाद नू तीन गल्लां दा सबक सिखाए या रसूल अल्लाह केड़ियां फरमाया नंबर एक हर मां बाप अपनी औलाद नू मैं मुहम्मद दी मुहब्बत सिखावे नंबर दो हर मां बाप अपने बच्चियां नू मेरी आल दी मुहब्बत सिखावे नंबर तीन फरमाया वा तिलावतिल कुरान और हर मां बाप अपने बच्चियां नू कुरान खड़ोवन आला जी रोला पिया पर एक गल मखा मैनू दसो अखे जी पुछो मखा ये जिसले स्कूले असेंबली होंदी है एक कौमी तराना लम्मे पैसे पढ़ते
क्यों है कौमी तराना उसले ती सीख पाल हो खड़े होंगे सारे ऐ रड़ी ऐ जीवे साई कोनी मका ए क्यों अके कौमी तराना है ए कौमी तराना है ए कौमी तराना है ए अके एवें पड़ींदा है ते मका लम्मे पै ते पड़िए ते बह ते पढ़ लिए तकिए नहीं आखे एक कौमी तराना है जिसले सानू बड़ा पता है जेड़ा फंक्शन भी होवे कोई फौज दा होवे कोई होवे जिसले कौमी तराना शुरू होंदा है वजीर आजम भी खड़ा है ते सदर भी खड़ा है ते फौज आला जनरल कर्नल भी खड़ा है इवें गल नहीं या कौमी तराना पड़ी वे सारे उठींदे लगे मैं क्या कौमी तराना खड़ो ते पढ़ दे ओ अके कौमी तराना है मखा चुप कर असी हजूर ते सलाम खड़े हो ते पढ़ने आए साडा बख्शिश दा बहाना तेरा जो करम तेरा जो करम शाये जीव कार हो जाए तेरा जो करम शाये जीव कार हो जाए गदाए खाक नशीन ताजदार हो जाए मैं क्यों ना अपने नबी दी अजमत बयान करां मैं कुर्बान सोने नबी दी आमद तू कुर्बान कदम रखिया आमीना दे लाल ने इस धरती ते ते कायनात च बहार आई किस तरह नाल बहार आई मेरे नबी दा मिलाद होया ते बेटियां नू इज्जत मिली मेरे नबी दा मिलाद होया ते मां दे कदमां विच जन्नत आई मेरे नबी दा मिलाद होया ते बाप दा चेहरा वेख लेना मकबूल हज दा सवाब बनाए हाली आंद रखे मिलाद दी बरकत की है अखे मिलाद दी की बरकत है मगा चुप कर अम्मा बुड्ढी दे पैरां जन्नत आई पई है ये मिलाद दी बरकत है बेटियां ऐसी जिन्ना नू जिंदा दफन कर दिता जांदा सी बाप अपने हथी जाके टोया खट ते पूर दें दे जिंदा बच्ची नू दफन कर दे धी चीख दिए धी पुकार दिए ਧੀਆਂ ਦੀ ਬਾਬਲਾ ਐਡੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਹੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਬਾਪ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਇੰਜ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਉਹਦੀ ਚੀਖੋ ਪੁਕਾਰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਹੁਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਦਾ ਮਕਾਮ ਦੇ ਦੇਵੇ ਮੌਲਾ ਹੁਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇ ਜੋ ਆ ਕੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਵੇ ਮੌਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇ ਜੋ ਆ ਕੇ ਯਤੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਵੇ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣ ਲਈ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਤਾ ਕਰ ਛੱਡਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂ ਉਹ ਬੇਟੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਿੰਦੇ ਸਦਕੇ ਧੀ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਏ ਬੇਟੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲਾਦ ਕਰੇ ਉਹ ਮਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬੇਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਫਰੋਖਤ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਹੋਇਆ ਫਰਮਾਇਆ ਨੌਜਵਾਨੋ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ ਮਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਕਾਮ ਜੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਫਰੋਖਤ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਮਾਂ ਉਹ ਹੀ ਜਿੰਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਨਤ ਹੈ ਹਾਲੀ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਿਲਾਦ ਦੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਕਲਮਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛੇ ਮਿਲਾਦ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਅਮਾ ਗੋਟੂ ਪਵੀ ਜਿੰਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਮਿਲਾਦ ਹੈ ਪੱਕੇ ਹੋਵੋ ਪੱਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਯਾਰ
ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਰਿਵਾਜ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਬੱਚਾ ਅੱਲਾ ਬੇਟਾ ਦੇਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੁੜ ਮੁਬਾਰਕ ਗੱਲ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲਦੇ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ। ਓਏ ਰੱਬ ਪੁੱਤਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕ ਗੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਐਵੇਂ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਗੱਲਦੇ ਭਲਾ ਕਿੰਨਾ ਬੱਲੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਨਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵੱਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵੱਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੇਖ ਲਵਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਜਾ ਸੀ ਨਾ ਮੁਬਾਰਕ, ਜੇ ਖਰਥਾ ਹਟਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਉੱਥੇ ਮੁੰਜ ਕੁੱਟ ਸੱਟ ਸਨ। ਬਈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਰਨਾ ਪਰਨਾ ਕੋਨੀ, ਮਰ ਜਾਵਣ ਅਸੀਂ ਮੰਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਵਣਾ। ਝੂਰ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਸਾਡੇ ਵੱਲੇ ਗੱਲੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੁੱਜਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੱਤੂ ਦੀ ਖਾਲ ਵੱਧ ਆਸਣ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਜਾ ਸੀ ਲੱਡੂ ਲੁੱਡੂ ਵਿੱਚੇ ਜਾਸਣ ਗੁਰਦੇ। ਬੰਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਕਿਹਦੇ ਗੱਲਦਾ ਹੈ? ਆ ਲੱਗਦਿਆਂ ਹਾਲ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਲੱਗਦਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਗੱਲਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੈਰ ਬਿਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਕੁਛ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਗੱਲਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਵਣ। ਮੁਬਾਰਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਗੱਲਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ। ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਾ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਸੁੱਕੀ ਚੱਲ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਛੱਡੀ ਆਈ? ਮੁਬਾਰਕ ਮੁਬਾਰਕ ਜਾਂਦੀ ਏ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਵਣ। ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਬੇਟਾ ਦੇਵੇ ਮੁਬਾਰਕ ਗੱਲਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕੁਛ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ। ਤਲਕ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੇ ਪੈਗਾਮ ਖਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਈ ਆਮੀਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਆਇਆ ਸੋਹਣੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੀਬੀ ਆਮਿਨਾ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਅਤਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਫਰਮਾਇਆ, ਕੁਲ ਯਾ ਅਯੂਹੰਨਾਸ ਇੰਨੀ رسول اللہ علیکم جمیعا، سونیا تو کہہ دے کتے رب فرماندا محبوبا تو آخ، سونیا تو کہہ دے کہ لوگو ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਬੀਲੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਰਸੂਲ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਸੋਹਣਿਆ ਤੂੰ ਆਖ ਦੇ, ਇਹ ਸੋਹਣਿਆ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੁਕਮ ਏ? ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਵਿਲਾਦਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਤੇ ਖਾਲਕ ਤੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਏ, ਲਕਦ ਮਲਨੱਲਾਹੁ ਅਲਲ ਮੂਮਿਨੀਨਾ ਇਜ਼ ਬਾਸਾ ਫੀਹਿਮ ਰਸੂਲਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਓਏ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਓ, ਓਏ ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ, ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸੋਹਣਿਆ ਦੱਸ ਦੇ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਸੋਹਣਿਆ ਤੂੰ ਆਖ ਦੇ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਵਿਲਾਦਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਐਲਾਨ ਮੈਂ ਰੱਬ ਆਪ ਕਰਸਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਦਿਆਂ ਵੱਲ ਪੈਗਾ ਖਲਣਾ ਹੈ।
अल्लाह ने मोमना नु हुक्म कीता है, ए मोमनो तुहाडे ते एहसान कीता है, तुहानू कमली वाला नबी अता कीता है। हुण हजूर दी विलादत दी खुशी ओही कर सी जिंदे विच ईमान। जिन्हों हजूर की आमद की खुशी नहीं उनके विच ईमान भी नहीं। किस शान नाल सोने की विलादत हुई है? नबी पाक की विलादत बासादत तू पहला। इथों मैं गल हुण शुरू करन लगा। सरकार दी विलादत बासादत तू पहले। एक यहूदी आ पहलियां किताबां दा इलम रखदा, एक उंदे नाल उंदा खलीफा, एवें समझ लो जिवें पीरां दे नाल खलीफा नहीं होंदा, नप्पण आला ते वजू करावण आला। अल्लाह करे पीर वजू करण आला होवे। ये जेन जिन्ना दा कदे टुटा ही नहीं, कदे टुटा ही नहीं। एक पिया के हमारे हजरत साहब का उजू कदे टुटा ही नहीं, मखा टुटना भी नहीं। अगे यही कि मैं मखा कदे कीता होवे तो टुटे। एडा पक्का उजू उजू वाह भाई वाह। सुनो ओ यहूदी दी खिदमत करदा नाल रहंदा, ते जिसले उन्ने खलीफे वेखा ना भई उस्ताद रहंदे आर होर मलूम होंदे ने भी इंदा चलाना होवे, ते कई आरा तू स्याप पौंदे अब बंदे कई आरा तू। ओनू पता लगा भई इंदा चलाना हो हुए, ए दुनिया छड़ूए। उन्हें आका उस्ताद जी मैनू तक किसी अन्ने बन्ने लाई जाए, इतने साल जो तेरी खिदमत कीती है ते किसे मंजल ते मैनू भी पुचाई जाव्या, तैनू तो मैनू शाक के मलकल मौत ले जाऊ है भी तेरा टाइम आया खड़ा। भाई गल बाबू एवें ही है, तू जो पुत्र नु छाड्या में मोटरसाइकिल वाले मैकेनिक को, भाई मेरे पुत्र नु बाल सिखावी मोरे आदि दुकान बना ले सी, ते मिस्त्री एडा चंगा उने 2 साल उनु लाई रखा, बस प्लग खोल लिया ते जाड़ दिता, प्लग खोल दिता ते जाड़ अगा उने दसा ही कोई नहीं, ते उत्तू उस्ताद हो जावे बीमार ते अस्पताल दाखल टोर गया, उन्हें तो मुड़ा आखना ही है भी मेरे पल्ले तो कोई शह ही ना पई, भी 2 साल पलाग ही खोल दा फिरा। भाई वक्त जाया हो गया ना। मेरा अंदाज सादा है, गल पक्की करना हसन वास्ते नहीं, हसते ना टालना मेरी बात। ओ कहन लगा उस्ताद जी इत्ते साल जो तेरी गुलामी कीती है किसी मंजिल ते मैनू भी पहुंचावे। यहूदी कहन लगा तू वाकई मेरी खिदमत कीती है, मेरा हुण वक्त अखीर आ गया है, मैं तेनू हुण कुछ दे नहीं सकदा, पर गल सुन मेरी, मैं जानदा होया तेनू एक बुआ दस जाना वा, ते तू उस बुए ते टुर जावी, ते जदों उस दरवाजे ते जावेगा तेरी जिंदगी दे सारे मकसद ही पूरे हो जाने। उन्हें आखा उस्ताद जी मुड़ दस सुनो ने अखे एक रात ऐसी आवनी है, एक रात ऐसी आनी है कि पिछली रात दा टाइम
आसमां ते इक सितारा तलू होवेगा, उंदी रोशनी फैलदी जाएगी सारे आसमां ते, रोशनी फैल जानी जिस रात तैनू सितारा नजर आवे ते समझ जावी उस रात मक्के शहर दे अंदर ते कुरेशियां दा महला ई, उस रात कुरेशियां दे महले विच एक बच्चे दी विलादत होनी है, ते ओ बच्चा एडी शान वाला ई कि अल्लाह दा आखरो जमान नबी होवेगा। बंदा हर रोज सारी सारी रात वेखदा आसमान वल्ले के केड़ी रात ओ आवे मैनू तारा नजर आवे, एक दो चार पांच सात दा भी रातां गुजर गईयां, हुण रात आ गई केड़ी रात, बारह रबीउल अव्वल वाली रात, उस दी नजर पई पिछली रात दा टाइम एक सितारा तलू होया, उंदी रोशनी फैलदी जा रही है, उन्हें आख्या लै उस्तादां दी निशानी पूरी हो गई, अज ओ रात आ गई कि मक्के शहर विच अल्लाह दा आखरो जमान नबी तशरीफ लै आया है। उसने सफर शुरू कर लिया, मक्के वाल चल पिया, चलदा चलांदा चलदा चलांदा चलदा चलांदा फिर मैं क्यों ना कवां किसे आशक ने तर्जमा चकीता ए चलदा जा रही है भला किंदी ज़ियारत मैनू अदब शरीफ दे पत्थेरांते मैनू अदब शरीफ दे पत्थेरांते तेरी उल्फत यारी रुला छड़िया मैं फेर विराजी किस्मत ते मैं फेर विराजी किस्मत ते लजपाला करम कमा छड़िया चलदा चलांदा चलदा चलांदा मक्के विच पहुंचा कुरेशियां दा महला पुछया नबी पाक दे दादा जान दा नाम ए नामी इसमें गिरामी हजरत अब्दुल मुत्तलिब है टोपी जेड़ी सिर ते रखदे ना ये भी इत्थे याद करदे ने सुनो सुनो अल्लाह रब्बुल इज्जत सानू दीन दी समझ अता फरमाए अल्लाह ताला सानू अपने उलमा दी कदर करने दी तौफीक दे आ गया बंदा चलदा चलांद महला पुछया कुरेशियां दा हजरत अब्दुल मुत्तलिब दे बेटियां दे मकान एक गली दे विच कतारदार कतार
पहले दरवाजे ते आके उसने दस्तक दीती, अंदरों आवाज आई कौन, कहन लगा बड़ी दूरों आया ते पुछना चाहना कि इस घर विच कोई बच्चा पैदा होया है कि नहीं। अंदरों आवाज आई नहीं नहीं इधर बच्चा नहीं पैदा होया। दूसरे दरवाजे ते चला गया, उधरों पूछया आवाज आई नहीं। तीसरे दरवाजे ते पहुंचा, कोई बच्चा पैदा होया है आवाज आई नहीं। चौथे पंजवें छेवें सतवें अठवें ते नावें दरवाजे विचों आवाज आई नहीं नहीं कोनी। हुण दसवां दरवाजा आ गया ते पता ही ओ किंदा दरवाजा आया। जदों दसवां दरवाजा आया ओ नबी पाक दी अम्मी जान सय्यदा आमिना दा दरवाजा आया, हजरत अब्दुल्ला दा दरवाजा आया। दस्तक दीती, अंदरों खादमा आई बार, कहन लगा बड़ी दूरों आया, मैं पूछना चाहना वा कि इस घर विच कोई बच्चा पैदा होया है। आवाज आई हां बिल्कुल होया है। कहन लगा फिर बड़ी दूरों आया, मैनू अपने लाल दी जियारत करावो, मैं ते वेखने लई आया, मैं ते जियारत लई आया वा। खादमा बार लेके आई ते जदों सरकार दे चेहरे तू कपड़ा हटाया, उसने मुस्तफा ने चमक मारी ते गोलड़े दा पीर की आंदे मुख चलदे बदर शाह शानी मथे चमक दी लाटी नूरानी काली जुल्फ ते अखे मस्तानी मखमूर रखिया हिल मदबरिया। उन्हें तो याद वेखा ना सरकार ने हुसन मुस्तफा दा ते बेहोश हो। इस गल नूं मैं इत्थे रोकदा पिया, ये पूरी कर सागा, थके तो नहीं ने। एक दिन उम्मल मोमिनीन हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह यूसुफ अलैहि सलाम दा हुसन बड़ा है। तवज्जो करे इस गल ते, मिस्र दियां औरतां ने वेख्या ते हाथ काट ले ते उन्हां नूं पता भी नहीं लगा, हाथ भी काट ले ते पता भी नहीं लगा। आका इत यूसुफ अलैहि सलाम दा हुसन है, या रसूल अल्लाह तुहाडा हुसन हुण पुछणा ते इह गल चाहदी आई आ। यूसुफ अलैहि सलाम तो एडे सोहने सन ते हजूर तुहाडा हुसन, ते सरकार ने फरमाया बस एक गल उन्हां कीती है, ते सरकार ने फरमाया आयशा हुण वेख मेरे वल्ले हुण वेख। उम्मुल मोमिनीन ने जदों वेख्या ते मेरे सोहने नबी दे चेहरे विचों नूर दियां लाटां पईयां निकलण, सारा घर ही रोशन होया। फरमाया आयशा एते अली एक पर्दा लाया है, अल्लाह ने 70,000 पर्दे मेरे हुसन से पाए। ये तो एक पर्दा लाया है, जिंदी जाल नहीं जल्दी है। जुल्फे सरकार से जब चेहरा निकलता होगा, जुल्फे सरकार से जब चेहरा निकलता होगा, फिर भला कैसे कोई चांद को तकता होगा। ऐ हलीमा तू बता
शायर पूछदा है क्या हलीमा तू तो सानू दस। ए हलीमा तू बता तूने तो देखा है तुझसे कैसे मेरा महबूब लिपटता होगा तुझसे कैसे मेरा महबूब लिपटता होगा। वेख्या हुसन मुस्तफा दा आन वाला अखां विच आंसू आए मुस्तफा दा दीदार नसीब होया वापस हटिया गली विच किसे पूछ लिया कौन है तू आज नबी जी किदे फिरना किथों आया ना का बड़ी दूरों आया ते किंदे वाल आया है अखे मैं ते इस लाल दी ज़ियारत करन वास्ते आया हां अखे ते तैनू किवें पता लगा है टेलीफोन तो है कोई नहीं ते टीवी टूवी भी कोई नहीं आवे खबरें खबरें बंदा सुन ले तैनू पता किवें लगा कहन लगा मैनू पता किस तरह नाल चलिया है मैं अपने उस्ताद दी खिदमत करदा सा ओनू मैं आख्या ओ किताबां दा इलम रखदा सी ओने मैनू निशानी दसी के जिस रात तैनू सितारा नजर आवे उस रात मक्के विच अल्लाह दा आखरो जमान नबी तशरीफ ले आएगा। अगे फिर वो कहन लगा उस दिन तू लै ते मैं हर रात जागते गुजारना आसमान वल्ले तकदा रहना पर रात जो गुजरी है मैं वेख्या मैनू आसमान ते एक सितारा तलू होया नजर आया ते बस ओदी रोशनी फैली ते मैनू तसल्ली हो गई उस्तादां दी दसी हुई गल पूरी हो गई जो ही मैं तारा वेख्या है ते मैनू पता चल गया अज आमीना दे चन्न दी अज आमीना दे चन्न दी तशरीफ आवरी है। संघ नहीं आंदी ना तो पढ़द्या संघ पई खड़ी ने अज आमीना दे चलदी अज आमीना दे चलदी तशरीफ आवरी है। या अल्लाह जड़े जड़े पढ़दे पैन मदीने दी हाजरी नसीब फरमा अब बड़िया करो हजूर दिया नाता हाजरी हो जासी यकीन करो मैनू 28 बारी हाजरी नसीब हुई अल्लाह सब नू लै जाए यार बंदे दी जिंदगी ओ जिंदगी जेड़ी यार दे बूहे ते गुजर जाए इत्थे आले ते रोले डंडे मुकदे ही कोई सुख दे ओ ये नहीं जेड़े मदनी दे बूहे ते गुजर जाए अल्लाह सब नू लै जाए आमीन ता आख लो कई डरदे हो यहां दे नहीं पे आमीन आके कबूल हो गई ते जाना पे जा अल्लाह सब नू लै अज आमीना दे चलदी तशरीफ आवरी है अज आमीना दे चलदी तशरीफ आवरी होना जिदे तू फैलो होना जिदे तू फैलो
सब मुजरमां बरीए अज आमिना दे चलदी तशरीफ आवरीए अज आमिना दे चलदी तशरीफ आवरीए मैं क्यों ना उस सोने दी आमद खुश होवां मेरे नबी दे मिलाद ते हूरां भी खुश हैं मेरे नबी दे मिलाद ते फरिश्ते भी खुश हैं ते भेजन वाला खुद खुदा भी खुश है अज इसलिए जानवर खुश हैं परिंदे खुश हैं हूरां खुश फरिश्ते खुश भेजन वाला खुद खुदा भी खुश है ते सच्ची दसिया भी असी उमती है हजूर दे ए मिलाद असा किसे को पूछ पूछ ते नहीं करना ते सानू किसे को पूछन दी लोड़ ही नहीं ओ जिक्र हजूर दा करना होवे ते पूछिए मौलविया को करिए के ना करिए वाह भाई वाह असी तक सानू किसे दलील दी लोड़ ही कोई सरकार दी विलादत दा जिक्र होवे मेरे नबी दी सीरत दा जिक्र होवे मेरे नबी दी सूरत दा जिक्र होवे मेरे नबी दे कमालात दा जिक्र होवे तेरे प्यो दी कोई बंदा तारीफ करे मेरे बाप दी कोई बंदा तारीफ करे ਉੱਥੇ ਨਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਫੱਟੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਐਡਾ ਚੰਗਾ ਓਏ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਐਡਾ ਚੰਗਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰ ਪਿਓ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਸੁਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਸੇ ਕਿ ਨਾਰਾਜ਼ ਓਏ ਪਿਓ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਹ ਠੁੱਲਾ ਕਰ ਲੈ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਵੇਂ ਝੂਠੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬਾਬੂ ਤੂੰ ਆਦੇ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਤਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਏ ਆ ਬਾਪ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਸੁਣੇ ਪਾਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣੇ ਤੇ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਲੈ ਤੇ ਉਮਤੀਆ ਦੇ ਨਬੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਮਿਲਾਦ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਜੇ ਮੌਲਵੀ ਸੱਦਣ ਦੀ ਤੇ ਸੌਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਰਚਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਤੰਬੂ ਤੰਬੂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਜੇ ਦੇਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਖੇ ਤੇ ਮੁੜ ਮਿਲਾਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋਸੀ ਮਖਾ ਤੂੰ ਆਦੇ ਘਰ ਚ ਬਹਿ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਜਾਈ ਓਈ ਮਨਾ ਦੋ ਸੋਹਣੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਜਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਤੇ ਨਾ ਕਰੀ ਮਿਲਾਦ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕੁੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾਂ ਤੇ ਕੁੱਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਧਾਰਾ ਬਈ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖ ਲਏ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੂੰ ਦਾਵੇਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਗੋਸ਼ਤ ਘਰੇ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਖਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਫਰਿੱਜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਦੁਆਈ ਦੇਂਦੀਆਂ ਭਲਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਪ ਨਾਪ ਤੇ ਬਰੀ ਬਰਫ ਵਾਲਾ ਕੋਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਂਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋਈ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋਈ
मेरिया गल्लां नूं हस ते ना टालिया है। कर्जा चुक के ना करी ये नहीं गुंजाइश ते वेख शाह अब्दुर रहीम देलवी नूं पुछते वेख। हर साल मिलाद करदा शाह वली अल्लाह दा बाप ते बड़ा खुला लंगर करना हजूर दे मिलाद। एक साल ऐसा आया कि गुंजाइश ना बनी ते बंदे ते सदा टाइम एक जैसा नहीं रहता, कदे अमीरी कदे ये भी मेरे मालक दे काम में, लेकिन बंदे नु हर हाल च उहदा शुक्र अदा करना चाहिए। वो बैठे है ना मियां मोहम्मद बख्श अल रहमान, पिछली रात दा टाइम आ ते कश्मीर दा इलाका पानी दे तालाब दे किनारे ना चन्नू चाननी रात ते कोयल बोली। पिछली रात कोयल, तुहानू बड़ा पता है कोयल दा रंग काला है पर आवाज सुरीली, ते कोयल बोली मियां मोहम्मद बख्श दे कन्ना विच आवाज आई। आप उठे ते कोयल वल्ले टुर पए, कोयल फिर बोली ते मियां साहब कोयल नूं मुखातब हो के कहन लगे, इस सरगी वेले निकालिए कोयले ते न बोल गमादी बोली। सरगी वेले निकालिए कोयले ते न बोल गमादी बोली। ना वस तेरे ना वस मेरे, लिखिया लेख पैनाई झोली। ना वस तेरे ना वस मेरे, लिखिया लेख पैनाई झोली। हर हाल च उस दी रजा तेरा दी रे कि मौला मैनू दुख देवे मैं तावी राजी हां, जे मैनू सुख देवे मैं तावी राजी हां। केड़ी गल करदे पैसे भला, किथे छड्डी आई गल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं याद है, मैं चेक कर दा तुहानू असल ते है मेरे ते इतबार है। पीर दरशा अगे भी तेनू ये सदते रहते बोर्ड जी दे ढाली की ढाली दे बाबे हाजी शेर ढाली अगे अगे भी याद रहा। तेरे ते इतबार है सानू ना पूछी जड़ी करदा भी आप ही लगा रहो बस ठीक है। पीर ते इतबार भी एवं ही होना, पीरां दा इतबार भी। ले हुण दसो भला केड़ी गल करदा पिया सुन आई हंदे ते भैणा भी करदा पिया सी। सुनो सुनो सोहणे नबी दे मिलाद दी बात हो रही है, कर्जा चुक के ना करी। शाह अब्दुर रहीम दी गल करन लगा सां, हर साल बड़ा वसी लंगर पकांदे। एक साल मिलाद वाला महीना आया, इंतजाम नहीं था, बड़े परेशान होने की करा कुछ है को नहीं। आपने फिर कीता की आधे शेर वाली जड़ी टोपी आई ना टोपी ए ला ली ते बाजार च जाते ना आदि टोपी वेच दी, टोपी वेची आदे सेर आली
टोपी के पैसे जेड़ा कोई आना दवानी लंबा उस पैसे नाल भुने हुए चने खरीद ले थोड़े जे चने ते सरकार दा मिलाद पढ़ते ओ चने वंड दिते आंदे दिने मिलाद कीते राती सुत्ता ते आख लग गई आख लगी ऐसी लगी के आख लग गई ते की वेंदा ख्वाब च मुस्तफा दी ज़ियारत नसीब हो गई ख्वाब च वेंदे ने की सरकार ते शरीफ फरमाएं ते नबी पाक दे अग्गे चने पैन चने सरकार अपनी एक अथेली मुबारक ते चने लेंदे दूसरी अथेली ते इंज फिर इस तरह करी जा रहे ते सरकार ने फरमाया अब्दुर रहीम तेरे चने सानू बड़े पसंद आए ने मेरा नबी तो भुने हुए चने भी पसंद कर लेता गरीबां दी लाज रखी है हुजूर ने आ गरीबों दिल थोड़ा ना करे मत किसे नु वेखे कि उंदे कोल इत्ता कुछ है उंदे कोल इत्ता कुछ है मेरे कोल कुछ नहीं आ ईमान दी दौलत जिस बंदे कोल है उंदे कोल बड़ा कुछ है जे दुनिया दा माल होवे ते ईमान ना होवे ते कुछ भी नहीं है अल्लाह ताला दे हां इज्जत वाला ओ है अमीर ओ है जिंदे कोल ईमान दी ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀਏ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਜੰਨਤ ਚ ਪਹਿਲੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੇ ਵੀ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵੱਲੇ ਕਾਰਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਵਲੀਮੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਜਾਵਣ ਇਸਤਕਬਾਲ ਹੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੂਹੇ ਚ ਕੋਈ ਵਡੇਰਾ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਡੋ ਤੋਂ ਲੱਥਾ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਮੀਆਂ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੂ ਆਓ ਜੀ ਆਓ ਇੱਥੇ ਮੀਆਂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬਹੁ ਫਰੰਟ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਗਰੀਬ ਕੋਈ ਗਿਆ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ ਜੀ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਬਾਂਹ ਤੂੰ ਫੜ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਚੱਲ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਗਰੂ ਲੱਗ ਚੋ ਪਹਿਲੀ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਚੱਲ ਆਪਣੇ ਬਹਿਣੀ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਗਰੀਬ ਉੱਥੇ ਅਮੀਰ ਅੱਗੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਪਿੱਛੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਚ ਜਾਓ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੈਸਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਅੱਗੇ ਡਰਮ ਭਰਾ ਪੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੇ ਐਲਾ ਜਾਗ ਪੇ ਗੱਤ ਗੱਤ ਪੀਤੀ ਰੱਖੀ ਇੱਥੇ ਫਰਕ ਹੈ ਅਮੀਰੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਮੀਰ ਅੱਗੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਪਿੱਛੇ ਪਰ ਗਰੀਬਾ ਦਿਲ ਥੋੜਾ ਨਾ ਕਰੀ ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜੀਏ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪਕੜੀਏ ਜਦੋਂ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਮਤ ਜੰਨਤ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਮੀਰ ਅੱਗੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਪਿੱਛੇ ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਆਮਤ ਹੈ ਜੰਨਤ ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਅੱਗੇ ਤੇ ਅਮੀਰ ਪਿੱਛੇ ਹੁਕਮ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਰਾਸ਼ ਵੇਖਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਲੈ ਕਰਨਾ ਹੱਟ ਪਿਛਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਰਾਡੋ ਤੇ ਚੜਦਾ ਹੀ ਹੁਣ ਪਿਛਾ ਹੱਟ ਇਹਨਾਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪਰ ਲਾਜ ਰੱਖੀਏ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਪਰ ਈਮਾਨ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜੰਨਤ ਚ ਫੈਲੇ ਜਾਵੇਗਾ
पर ईमान होवे। ईमान शरत है। कमली वाले दी मोहब्बत दा चराग बलदा होए, इश्क मुस्तफा विच जिंदगी गुजारे, हजूर दी आल नाल प्यार करे, नबी दे यारां दा गुलाम ते अल्लाह दे वलियां दा गुलाम, नेका बंदा ते नेका बंदा दी सोबत च बाणा, नेक बंदे कोल बह जाना, यक जमाना सोहबत बा औलिया, बेतरज सद साला तात बेरिया, एक लमा अल्लाह दे किसी कामल बंदे कोल बह जाना, 100 साल दी इबादत नालों अफजल। नमाज पढ़ सो नीत लाव नीत लाव, कई बुढ़े हो गए गोडे कंबदे फिरदे ते मस्जिद दीयां टूटियां नूं हाथ नहीं लाया, 20 रुपये जुमे रात मसीते दे ते हक अदा की, वो भी पाटे हुए पाटे हुए, दुकान वाला जेड़े नहीं लेंदा वो मसीते गली खड़ा, तो मसीत वाला मौलवी स्पीकर खोल तो आंदा है अल्लाह इंदे दादे नु बख्शे, दादी बख्शे, इंदे नानकिया नु भी बख्शे, 10 बंदे जन्नत च गल ते खड़ोसी मौलवी, ते जिसले छेकड़ नोट वेखा वो पाटा नंबर ही कोई, हुण ना नोट चले ना नोट चलना है ते ना जेड़े जन्नत गले नु उन्हां नू पीछा छिकण जोगा भी नहीं रह गया, आ हालत साडी है। हम मुसलमानो नाना आओ अमल सोने करो, अमल सोने करो, मेरे नबी दी गुलामी विच जिंदगी गुजारो, छाड़ दे झूठ ते चुगलखोरी ते धोखेबाजी, छाड़ दे कोई पता नहीं किस मोड़ ते जिंदगी खत्म हो जाए। मैनू नहीं पता मैं अपने बच्चों विच पहुंचना है कि नहीं, मैनू ये भी नहीं पता ये झूठना भी है कि साह का कोई विसा है भाई, ऐ जरूरी नहीं बंदा बीमार होवे ते मरसी, कई बीमार होंदे ही नहीं जरूर निकल जाते, मरना बर हक है। की मान बिगानी चीज उते सा बिगाना है, की मान बिगानी चीज उते हर कदम संभल के चा सजना, तेरा दूजा साथ मत ना आवे, तेरा दूजा साथ मत ना आवे, ना रब दी याद बुला सजना, कोई पता नहीं दूजा साथ भी आवना क्या, उस शहनशाह नु याद रख अमा वक्त जेड़ा तेरा खालक भी है तेरा मालक भी है और तेरा राजक भी है। रोजी दा जिम्मा मेरे रब ने लिया है, पत्थर विच रहन वाले कीड़े दी रोजी दा जिम्मा भी मेरे रब ने लिया है, जड़ी मखलूक पानी विच उंदी रोजी दा जिम्मा भी मेरे रब ने लिया है, उंदी रोजी भी पानी विच रख छड़ी है, कईयां दी जिंदगी पानी विच रखी है, कईयां दी जिंदगी पानी तो बाहर रखी है, मछली पानी तो बगैर जिंदा रह सकती, मछली दी जिंदगी है पानी विच, बार कड़िये ते जिंदा नहीं रह सकती, जे तैनू ते मैनू कोई बंदा पानी दे वे चाहिए नाप दे वे जिंदा रह जाए, 5 मिनट भी बर्दाश्त नहीं जान निकल जाएगी, पता चलिया मेरे रब ने कानून बनाया है, मेरी जिंदगी पानी तू बार रखी है ते मछली दी जिंदगी पानी दे वे। उस सोने दे कमाल आ अपने रब सोने नु राजी कर,
नौजवान जवानी ते मान ना करी तेरे रंगे लखा नौजवान जमीन खा गई बुढ़ा है ते दस कदों तौबा करेगा क्या हाली तौबा दा वक्त नहीं आया ना ना जदों भी बंदा तौबा कर दे पक्की ते सच्ची तौबा करे अरशां वाला सारी जिंदगी दे गुनाह माफ कर देंदा है कोई आवे तो सही कोई सर झुकावे तो सही जितना प्यार तेरी मां तेरे नाल कर दी उंदे नाल 70 गुना बढ़ के अल्लाह दे बंदे नाल प्यार कर दे ते ए भी सुनदा जा तैनु पता है भला तेरा नबी तेरे नाल केड़ा प्यार करदा है एक बंदा बैठा सरकार दे रोजे ते जालियां दे सामने ना उन्हें अर्ज की सोने मैनू भूख लग गई है ते मेहमान तेरा हाँ ते उन रोटी लवन किसी होर बूहे ते जावा सोने ये गल मुड़ जचदी तो नहीं कमली वाले मैनू तो भूख लगी ते मैनू रोटी दी तलब है हजूर ते मैं हुण होर किसी बूहे ते जांदा भी नहीं एती गल उन्हें की बैठा सरकार दे जालियां दे सामने ते बैठे बैठे दी आख लग गई ख्वाब च नबी पाक दी ज़ियारत हो गई सरकार ने उसनू ख्वाब च इक रोटी अता फरमाई फरमाया ए ले खा ले उन्हें ख्वाब च रोटी पकड़ ली अद्धी रोटी खाधी है ख्वाब च अद्धी रोटी खा ली आंख खुल गई वो आंदा मैं हैरान सोने दी ज़ियारत हुई है ख्वाब च ते रोटी भी अता हुई है ख्वाब च अद्धी भी खाधी है ख्वाब च पर हैरान जदों आंख खुली है ते अद्धी रोटी ओवें मेरे हाथ विच मौजूद है यार ख्वाब तो तुहानू भी आंदे आंदे ने कि नहीं हुण तो मुड़ा सर्दियां शुरू होंदियां मैं रातां लम्मियां हुण तां गणे ही आ सन बंदा पिया माल आले फले अगे बुढड़े दी मंजी पर माल आले फले उत्ते त्रप्पड़ कीता होया ते मंजी ओ जिंदी ओ दामणी भी कोनी हुक्के नू हाथ गत्ता होया ते सौं गया ते ख्वाब शुरू हो गया ख्वाब की आया जहाज ते चढ़ा फिर ख्वाब च बई ना वीजे दी लोड़ ना पैसा लगे ख्वाब च बंदा कितू दा कित्थे अपड़ जांदा ख्वाब च फिरदा ही जहाज ते चढ़ा ते या आंख खुली ते उही ओ त्रप्पड़ ते माल आले फले अगे ही पी आई सच्ची गल करया ओ जहाज सिराणे खड़ा हुंदा है जिसले आंख खुली अगे पीर अजर शाह ता ख्वाब है मखा हुण इत्थे मनना पैणा है तेरा ते मेरा एक दूसरे नूं ख्वाब च मिलना हो रे ते नबी पाक दा ख्वाब च मिलना हो रे सरकार ने ख्वाब च रोटी अता कीती है अख खुली है ते ओवें अद्धी रोटी ओंदे हाथ विच मौजूद है ताई ते असियाने अब तंगीये दामा पे न जा और भी कुछ मांगे हैं आज वो माइल बयाता और भी कुछ मांग हैं आज वो माइल बयाता और भी कुछ मांग जोली ही मेरी तंग थी क्या मांगता उनसे शहराना मेरी तो जोली छोटी ही है मैं और की मंगा हां जोली ही मेरी
तंग थी क्या मांगता उनसे झोली मेरी भर भर के कहा और भी कुछ मांग झोली मेरी भर भर के कहा और भी कुछ मांग है आज वो माइल बयाता और भी कुछ मांग जन लोगों को शक है के करम उनका है महदूद जिन लोगों को शक है के करम उनका है महदूद उन लोगों की बातों पे न जा और भी कुछ मांग है आज वो माइल बायता और भी कुछ मांग अल्लाह सब दी हाजरी कबूल फरमा नमाज पढ़ सो नमाज किसे नु माफ नहीं नमाज मोमन दी मेराज नमाज दीन दा सतून है नमाज मेरे नबी दी अखा दी ठंडक सोने मुस्तफा ते कसरत नाल दरूद ओ सलाम भी पढ़ा करो मेरे नबी दा पड़ोस नसीब होस जिहड़ा कसरत नाल हजूर दी जात ते दरूद ओ सलाम पढ़दा जन्नत च मुस्तफा दे नाल होस रिज़क च बरकत होस खुद नमाज पढ़ो बेटी आई तो उसनु भी आख बेटा है उसनु भी आख वड्डे पीर नु भी आख समझ नहीं लग असल कई बैठे बे मुर्शदे अगर वड्डा पीर केड़ा मखा बेगम शरीफ हां खुद नमाज पढ़ बीवी नु भी आख बेटी नु भी आख बेटे नु भी आख आखना तेरा काम है हदायत देना अरशा वाले रहमान दा काम परसो मस्जिद आबाद करो अल्लाह तुहाडे घरां नु आबाद करे नीयत ठीक रखी करो रिज़क च बरकत हो बावजू रिया कर बरकत हो केड़ा बंदा आंदा गरीबी है बा वजूरिया करे रब रोजी च बरकत पा दे पर आपा तो करना ही ऊजू उछले किसी के जनाजे ना रलना वो भी अद्धा गिट्टा सुक्का खाले तू थबोका मारा दे तो कई बगैर ऊजू तू रले खड़े होंगे नवे नवे मसले हूं आसन गा जदीद दौर आ गया ना नीति खड़े बगैर वजू तू चलन दे खराब भी बख्शना ते अगर आंदी जांदी भी कोई शै नहीं ते बगैर वजू तू रब बख्श प्यो दी जदाद वंडदा ही ते जांदे नु दुआ अगे पिछे मौलवी नाल बनदी नहीं ते बुढड़ा मार जावे ते सदो मौलवी नु ना क्यों के नु नवावे मैं तो एक जगह ते आखा मौलवी साहब ना नेड़े गिया कर मैं देर ना ते बनदी नहीं दाने देंदे नहीं ते नवावण दे टाइम सदो मौलवी नु ते मैं कहा केड़ी लोड़ है मौलवी नु आखे जी नवावणा है ते मैं कहा नवावण वाला केड़ा औखा काम है सट्टो इहनू खाडे जुत्तू पैंप ते लाओ हाँ बंदा ही नवावना यारा याद नहीं लै गई अगे नहीं जी मुड़ मौलवियां नू पता होंदा है मुर्दे नू किवें नवावे जी जींदे नू नवावे मुड़ जनाजा लै गए सुनो मसला ये है
बाप फौत होवे पता है जनाजा पढ़ावन का हक किंदा है बेटे दा। बाप दा जनाजा पढ़ावन दा सब तो पहला हक है बेटे दा। बेटा पढ़ा पर इत्थे ता पुत्र सिर्फ जदाद लेनी है जनाजा नहीं पढ़ा सकदा। सद्दो अखे मौलवी नू मौलवी वेच कबर दे रखण दी वारी आवे वेच नहीं पढ़दे कबर एक जना वेच खड़ोंदा ना भी पकड़ दे रखे ओ आंदे तू जा तू आ तू खड़ो आ उत्ते सह सारे कलिया तू तकड़ा ओदे वेच लै जा डरदा ही आ कई बंदे राती कबरां दे विचू लगदे ओ डरदे मैं की है आखे डर लगदा आया मखा अपने आदे ही तो पे ना नहीं मोड़ भी डर लगता है डर लगता कदे ए खौफ विच आला आ जावे उत्तू लंघदे नू डर लगता है कदे ए ख्याल करें इस अंधेरी कोठड़ी विच एक दिन मैं जाना है मैं भी तो जाना इस मुड़ थोड़ी जी सामी बना तो रख के आसन कोई रोशनदान नहीं कोई बारी बुआ नहीं है बाबू उस मकान की तैयारी कर। दुनिया के बंदे मकान बना दे सोने पर विच रमना नसीब ते कबर वो मकान है जिंदे विच जाना ही जाना उन्नू सोना बना के किवें बन सी मगर सोने अमला ना अमल सोने कर से तेरी कबर सोनी है। अल्लाह ताला ए बानी ए महफल की नाम है सरफराज अहमद उन्हां दा इहतमाम करना कुरबान अली मेरे नाल राबता करन वाला सदी अहमद चलो माशाल्लाह मैं निकम्मे जे बंदे दी हाजरी हो गई अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमाए अल्लाह तुसां दी मुहब्बत नूं सलामत रखे अल्लाह सब दी औलाद दे नसीब अच्छे करे अल्लाह ताला सब दी औलाद नूं मां बाप दा ताबेदार बनावे। मां बाप दा अदब करो वड्डियां दा अदब करो छोटियां नाल शफकत करो और लुकमा हलाल खाओ हराम रोजी तो तौबा कर लो कबर भी सोहनी ते मुड़ हशर भी सोहना हो जैसी। अल्लाह ताला जिंदा रखे ते मुहब्बत मुस्तफा विच मौत आवे ते मुहब्बत मुस्तफा विच वमा अली इल्ला।